अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ये गोली का शेल है, गोली इस पे यहां आगे लगी हुई होती है। जैसे ही अंदर बारूद फटता है, गोली 700-800 किलोमीटर की स्पीड से निकल के भाग जाती है। इस शेल के पीछे देखिए, यहां एक दाग है। दाग क्या? एक चोट है, एक चमकती हुई चोट। यहां पे आके हैमर टकराया, बारूद फटा, गोली गन में से निकली और किसी को जाके लगी। पर ये गोली किसको लगी ये पता ही नहीं चला, क्योंकि हमें ये शेल होटल के एक कमरे में से मिला था। कमरे में एक लाश पड़ी, लाश के सिर में से काफी खून निकल रहा था, पर वो खून गोली लगने से नहीं निकला था, किसी ने उसके सिर पे इस फूलदान से मारा था। फूलदान मारते ही टूट गया, इतनी जोर से मारा, फौरन मर गई होगी बेचारी। पर अगर वो लड़की फूलदान से मरी है तो फिर गोली किसे लगी और ये गोली चलाई किसने? कमरे में ना तो गन थी और ना ही गोली। गन नहीं, गोली नहीं, तो फिर कमरे में ये शेल आया कहां से? आपको विश्वास नहीं होगा वो बात सुन के जो हमें पता चली। और जब पता चली तो सबने यही कहा, गोली इसने चलाई थी, इसने। आप खुद ही देख लीजिए। होटल के कमरे में लड़की की लाश मिली है स्टाफ वाले को। सर, वो आदमी इसे मारने के लिए आया था। उस आदमी को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि अगर उसकी उंगलियों के निशान इस फूलदान पे मिल गए तो वो पकड़ा जाएगा। देखते हैं इस फूलदान पर उस मारने वाले की उंगलियों के निशान है भी या नहीं। ये क्या है? वाइन की बोतल। सर, ये प्लेइंग कार्ड्स। लगता है यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी चल रही है। पार्टी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बेचारी को मार दिया किसी ने। सर, जो लोग आए होंगे इसके साथ उनमें से किसी ने मार दिया होगा इसे। हाँ, मगर अभी तक कोई पूछने कैसे नहीं आया? किसी को शक कैसे नहीं हुआ? उसके घर वालों को तो शक होना चाहिए था। देखो जरा इसके पर्स में है कोई मोबाइल फोन वगैरह? ऐसा देखो, इसके पति का या घर वालों का नंबर होगा, इनको खबर देनी पड़ेगी। फेलिक्स, विवेक, जरा रिसेप्शन पर जाकर पूछताछ करो इस लड़की के बारे में। जिस कमरे में से ये लाश मिली है, ये कमरा किसके नाम पर बुक था? रानी जी के नाम पर। अब रानी मतलब वो लड़की जिसकी लाश वहाँ पड़ी है कमरे में? जी हाँ। जब रानी जी ये कमरा बुक कर रही थी तब आपको पता था कि वो इसी शहर की रहने वाली? हाँ। कौन कौन आया था रानी से मिलने? सर, तीन लड़कियाँ आई थी उनसे मिलने। ये तीनों लड़कियाँ एक साथ आई थी? नहीं सर, तीनों अलग अलग आई थी और तीनों ने आकर एक ही सवाल किया था कि रूम नंबर 203 कहाँ पर है, रानी से मिलना है। विवेक, कहीं तीनों लड़कियों में से तो किसी ने खून नहीं कर लिया रानी का? हो सकता है सर। नहीं सर, इसका पति फोन उठा ही नहीं रहा। फोन उठा नहीं रहा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं सर? हाँ, पता चल गया सर, इस लड़की का नाम रानी है और इसी शहर में रहती है सर। रानी इसी शहर की रहने वाली है?
यहाँ वकील के कमरे में क्या कर रही होगी? सर हमारा अंदाजा ठीक था सर, रिसेप्शनिस्ट भी यही कह रही है कि रानी ने ये कमरा एक किटी पार्टी के लिए बुक किया था सर। किटी पार्टी के लिए? और कौन कौन आया था यहाँ पे? सर इसके साथ और तीन लड़कियाँ थी सर। अच्छा, इन तीनों लड़कियों को होटल में आते जाते हुए किसी ने देखा? रिसेप्शनिस्ट ने इन तीनों को आते हुए तो देखा, लेकिन जाते हुए नहीं देखा सर। उसे तो उन तीनों की शक्ल भी ठीक से याद नहीं है सर। इसका मतलब खून तो इन तीनों लड़कियों में से ही किसी ने किया है, नहीं तो भागती क्यों? किसी को बुलाती, हल्ला मचाती? तीन लड़कियां, गड़बड़ है अभिजीत, गड़बड़ है। गड़बड़ तो है सर, रिसेप्शनिस्ट के पास इन तीनों लड़कियों के नाम और पते तक नहीं है सर। ये डायरी में यहाँ पे चार लेटर्स लिखे हुए हैं, RCPN, ये उन लड़कियों के नाम होंगे सर। किसे कितने पॉइंट्स मिले, क्या स्कोर हुआ, वो लिखते हैं ना। आर तो ये रानी है बेचारी, CPN क्या हो सकते हैं नाम ये? सर इसी के मोबाइल से ढूंढते हैं, किस किस लड़कियों के नाम CP और N से शुरू होते हैं। देखो जरा, तो फ्रेडिक्स ये सारा सामान ध्यान से एविडेंस बैग में रख लो और फोरेंसिक लैब में भेज दो। और अभिजी देखो, कोशिश करो फिंगरप्रिंट उठाने की इस नोट पैड से। मिल गया सर, तीनों लड़कियों के नाम मिल गए। सी से है चांदनी, पी से है प्रीति और एन से निधि सर। ढूंढो इन तीनों को और लेके आओ ब्यूरो में। ये किटी पार्टी किसने रखी थी होटल में? रानी ने। फिर क्या हुआ, तुम गई होटल? हाँ मैं गई थी होटल में, करीबन करीबन 2 बजे। फिर क्या हुआ बताओ, रानी मरी कैसे? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता? मैं तो जैसे ही कमरे में घुसी मैंने रानी की लाश देखी थी फर्श पर, फिर मैं इतना घबरा गई कि मुझे कुछ नहीं पता। दरवाजा खुला हुआ? हाँ, मेरा मतलब है जैसे ही मैंने खटखटाया अपने आप खुल गया। अंदर कोई था? नहीं कोई नहीं। ठीक से याद करके बताओ, कुछ देखा होगा तुमने वहाँ शायद। मैं लाश को देख के घबरा गई थी। याद करो, देखा होगा तुमने कुछ। शायद फर्श पर कुछ गिरा हुआ था, किसी बस का टिकट। बस का टिकट? सर जब मैं होके पहुंची तो मैंने देखा कि रानी वहां पर मरी पड़ी है होटल के रूम। कमरे का दरवाजा खुला था? कमरे का दरवाजा खुला था? हाँ हाँ सर, खुला था। अच्छा खुला जी। जाकर जरा प्रीति से पूछो कि जब वो कमरे से बाहर गई तो उसने दरवाजा बंद किया था क्या? पूछने की क्या जरूरत है सर, मैं कह रही हूँ ना कि खुला था। एक मिनट, कमरे से बाहर निकलने के बाद तुमने दरवाजा बंद किया था, कुछ याद है? हाँ जी, याद तो नहीं है पर शायद खुला रह गया था। ये बता, लाश देखने के बाद तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया? उस समय मैं बहुत डर गई थी, अभी मेरे शोर मचाने से रानी वापस तो नहीं आ जाती ना, उल्टा मैं ही फंस जाती उसके खून के अजाम। और क्या याद है तुम्हें? और क्या याद है? सब बाथरूम में कोई था। क्या? तुम्हें कैसे मालूम कि बाथरूम में कोई था? कोई आवाज आई? हाँ वो मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी थी। रानी को मारा किसने? नहीं जानती। आपको किसी पे शक है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तो होगा रानी का दुश्मन, नहीं तो फिर उसका खून क्यों हुआ? अच्छा ये बता, ये रानी का पति कहां पर है? कहां पे रानी का पति? उसकी अपने पति से बिल्कुल नहीं बनती थी, यहां तक बोल चाल भी नहीं थी आपस में। बनती नहीं थी मतलब? सर
माँ? उसके पति उस पर शक करते थे और कई बार उस पर हाथ भी उठाया था उन्होंने। रानी का पति उसे मारता था? जी, मुझे तो लगता है कि उसी ने मारा होगा उसे। अच्छा, और हमें तो लगता है कि रानी का खून तुम तीनों में से किसी ने किया है। होटल में कमरा बुक किया, कुछ सामान लेके नहीं आए, सिर्फ एक पर्स लेके चली गई। क्या हुआ यहाँ पे? वे एक छोटी सी छोटी चीज पे भी नजर रखो। सर, एक छोटा सा बाल भी मिल जाए ना, तुम खूनी तक पहुंच सकते हैं। गोली कशल? मतलब सर, यहाँ पे गोली चली है? गोली चली अगर यहाँ पे, तो फिर लगी किसे? यहाँ पे कहीं और तो खून दिख नहीं रहा। यहाँ पे गोली चलने की आवाज सुनी किसी ने? सर, अगर ऐसा होता तो यहाँ पर हंगामा हो जाता। मालूम है हंगामा हो जाता, यहाँ पे खून हो गया और आप लोगों को पता भी नहीं चला। सर, क्या हुए? अगर एक पिस्टल से भी फायर किया गया हो तो गोली का शेल वहीं पे गिरेगा जहाँ पे फायर किया हो, राइट? तो सर, अगर यहाँ पे ऐसा लगता है कि फायर किया ही नहीं हो। ये मैं भी सोच रहा हूँ, अगर फायर नहीं हुआ तो फिर ये गोली का शेल यहाँ पे आया कहाँ से? सर, शायद ऐसा भी हो सकता है कि गोली किसी और जगह पे चली हो और कोई इस शेल को इस कमरे में लेके आया हो सकता है। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि शायद ये गोली पिस्टल में से नहीं, रिवॉल्वर में से चली है। रिवॉल्वर में से? सर, गोली रिवॉल्वर में से चली, पर चूंकि रिवॉल्वर में जब गोली चलती है तो शेल रिवॉल्वर में से गिरता नहीं, उसी में रहता है, तो शायद ये शेल एक रिवॉल्वर के साथ इस कमरे में आया है। मतलब सर, इस कमरे में एक रिवॉल्वर भी था? हो सकता है। अगर सर, रानी का खून तो फूलदान के मारने से हुआ है ना, सिर पे? फूलदान मारने से हुआ है, पर शायद इस कमरे में एक रिवॉल्वर भी था। आंध्या, बस का टिकट? नहीं, बस का टिकट तो नहीं मिला, पर एक गोली का शेल मिला है। हाँ, शायद रिवॉल्वर का है। नहीं, रिवॉल्वर तो अभी नहीं मिला है। सालके, नरेश लाश को गौर से देखो और बताओ कि इसे गोली लगी है। अरे बॉस, कितनी बार बताया इसे कोई गोली वोली नहीं लगी। इसके सर पर इतना बड़ा चोट का निशान दिखाई नहीं देता तुम्हें? सालके, अभिजीत को होटल के कमरे में एक बुलेट का शेल मिला है। अभिजीत को होटल के कमरे में अगर अंडे का छिलका मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसको अंडे से मारा गया। देखो सालके, तुम्हारा मूड अगर इस गूंगे की वजह से खराब हुआ है ना, तो उसका गुस्सा इस लाश पर मत निकालो, समझे? गूंगे को तो मुझे दो तीन दिन तो बस, फिर मैं बताऊंगा इस गूंगे का मैंने क्या किया। बस या तो लैब में ये गूंगा रहेगा या मैं रहूंगा, बस। सर सर सर, वो आप कह रहे थे ना कि इस लाश के सर पर चोट लगी है, इस वास पर जो हमें खून मिला है वो भी इसी लड़की का, तो बात साफ है कि खून इसी वास से किया गया। तो फिर सर, वो गोली का शेल? दया, उस शेल को तुम लैब में लेके आओ, फिर देखते हैं। तारिका, क्या इन तीनों में से किसी की उंगलियों के निशान है इस वास पर? नहीं सर, तीनों में से किसी ने भी वास को हाथ नहीं लगाया। तो फिर इसे मारा किसने? देखिए सर, हमें जो कुछ भी पता था हमने आपको बता दिया है। तुम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं गया था उस होटल के कमरे में। लेकिन हमारी उंगलियों के निशान थोड़ी ना है उस वास पर। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, और अगर कोई टेस्ट बचा हो तो मैं तैयार हूँ, और वैसे भी खून तो इन दोनों में से किसी ने किया होगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि खून हम दोनों में से किसी ने किया है? सबसे पहले तुम गई थी ना उस कमरे में, गई थी कि नहीं? सर, रानी का खून इसी ने किया है, इसी ने। मैंने? मानता हूँ सर, हमसे गलती हो गई। कमरा देने से पहले हमें अच्छी तरह बात कर लेनी चाहिए थी रानी मैडम से। पर सर, मेरा दावा है कि गोली यहाँ पर नहीं चली है। तो फिर ये गोली का शेल यहाँ पे आया कैसे? हाँ, शायद रानी मैडम अपने पर्स में लाई होंगी। या फिर रानी के पास एक रिवॉल्वर होगा। ये बताओ, इस कमरे में से कुछ निकाला गया? सर, लॉन्ड्री बॉय ने कुछ सामान निकाला था। बुलाओ उसे। एक मिनट, लॉन्ड्री बॉय को बुला के लेके। जी।
कुछ निकाला था? सर मैं आया, मैंने टेबल साफ की और वो गंदा टेबल क्लॉथ पड़ा था जिसे मैं ले गया। ओके, उसमें देखा था क्या था? नहीं। वो टेबल क्लॉथ अभी कहाँ है? लॉन्ड्री में सर। चलो देखा। सर ये वाला, ये वाइट। एक मिनट, एक हमें देखने दो। टुकड़े हैं जो मैडम से टूट गए थे सर, इसीलिए मुझे बुलाया गया था टेबल के कपड़े बदलने के लिए। की बोतल टूटी नहीं बल्कि जानबूझ के तोड़ी गई ताकि ये गन ठिकाने लगाई जा सके। अभिजीत ने तो कमाल कर दिया, आखिर गन ले ही आए। अरे डॉक्टर तारिका, आप कह रही हैं तो कमाल ही होगा, वरना ये तो मेरे लिए छोटा मोटा काम ही है। लो भाई, कंफर्मेशन मिल गया। अभिजीत, तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। सर, एक निशान मिला है गन पे। देखो। तारिका, एक काम करो, इन तीनों के उंगलियों के निशान लेकर देखो मैच होता है कि इस निशान के साथ। जी सर। अब बताओ, आप में से किसने गन छुपाई थी? बोलो। मैंने तो जिंदगी में कभी गन देखी भी नहीं है। अच्छा, सर कमरे में गोली का शेल आया कहां से? जरा फिंगरप्रिंट देना। जी। ये क्या है? इस फिंगरप्रिंट पे तो लाइन है, स्कार है। जी सर, लगता है गोली चलाने वाले की उंगली में कोई तार है, कटने का निशान। कहां देखा था मैंने ये? एक मिनट में देखूं। ये देखो रानी की उंगली। तारिका, तुमने लाश की उंगलियों के निशान लिए ना? जी सर। चलो मैच करके देखते हैं बॉस, ये निशान इसी की उंगली का है या नहीं। कम जी सर, ये रानी की ही स्कार वाली उंगली का निशान, इसका मतलब गोली रानी नहीं चलाई। डॉक्टर, रानी ने गोली चलाई थी? सर मेरा तो पूरा दिमाग घूम रहा है सर, अगर ये रानी मर चुकी है तो फिर ये गन कैसे चला सकती है सर? अरे फ्रेडी, ये गोली उसने मरने से पहले चलाई होगी। मतलब होटल में आने से पहले? हाँ, होटल में आने से पहले गोली चलाई और फिर ये एक रिवॉल्वर है, होटल के अंदर किसी तरीके से शेल गिर गया होगा। फ्रेडरिक्स, रानी के पति का कुछ पता लगा? फोन लगाओ सर। सर उसी दिन से लगातार फोन कर रहा हूँ सर, घंटियां बज रही है वो उठा नहीं रहा। पता लगाओ ये रानी का हस्बैंड रहता कहाँ है। जी कहिए। ये रानी का घर है ना? हाँ, लेकिन कमाल है, रानी का शहर में घर होते हुए भी उसे
होटल का कमरा बुक करना पड़ा। होटल में? ये आप क्या कह रहे हैं? होटल ब्लू पैराडाइज। कल दोपहर को रानी ने वहाँ पे एक कमरा बुक किया, किटी पार्टी। हाँ, बताया था उसने मुझे। तो रानी ने ये नहीं बताया कि कोई उसका खून करना चाहता है? ये आप क्या कह रहे हैं? कल दोपहर से वो यहाँ नहीं आई है, तो आपने कुछ नहीं किया? पता लगाने की कोशिश नहीं की? कहाँ है वो? जी मैं क्या लगा रखी? होटल के कमरे में किसी ने खून कर दिया रानी का। क्या, रानी का खून? अबे क्या हो रहा है, कुछ पता चला? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं, मैं रानी के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रहा था। गुड। पार्किंग लॉट अटेंडेंट कौन? जी साहब। रानी मैडम जिसका खून हुआ, जब गाड़ी पार्क कर रही थी तब आप पार्किंग लॉट? जी साहब मैं ही था साहब। वो रानी में सब कुछ अजीब से थी। अजीब से थी? रानी की गाड़ी अभी भी पार्किंग लॉट में, अच्छी तरह से जाकर चेक करो। ये जब खून हुआ रानी मैडम का, तब दोपहर का वक्त था, तो दोपहर को आप सभी लोग यहीं पर थे? जी। तो रानी के कमरे में किसी को जाते हुए या उसके कमरे से किसी को आते हुए देखा आप लोगों ने? नहीं, मैं अपने कमरे में ही था। मैं भी शाम तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अच्छा, किसी के भागने की या चलने की आवाज सुनी? भागने की तो नहीं, पर हाँ करीब उसी वक्त किसी के पैरों के चलने की आवाज आई थी मुझे। हाँ, और कुछ सुना? पैरों की आवाज 5-6 कदम तक तो मुझे सुनाई थी, और उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। अच्छा, आपका कमरा कौन सा? जी वहाँ पर। ये बात रानी का? रानी का कमरा ये 5-6 कदम, अगर वो आदमी लिफ्ट या सीढ़ी तक गया होगा सर, तो कम से कम उसे 15-16 कदम चलना पड़ेगा। 5-6 कदम बाद गायब हो गया। तो फिर वो आदमी आखिर गायब कहाँ हो गए? अभिजीत, सर इसलिए खूनी को सीढ़ी या लिफ्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 6 कदमों में वो यहाँ इस कमरे में घुस गया। कौन रहता है इस कमरे में? सर कोई ध्रुव नाम का आदमी है जो कल रात बाहर गया था और अभी तक नहीं लौटा है। और मैनेजर तुम तो कह रहे थे कि सभी लोग यहाँ आ गए, तुमने पूछताछ करने की भी कोशिश नहीं की? सर, चुप रहो, खोलो दरवाजा। सर उनकी बात फिर? हाँ सर, परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ बदबू भी आ रही है सर। सर लगता है किसी ने कार में मच्छर मारने की दवाई छिड़क दिया। अरे सर, कार में तो रानी बैठी हुई थी, रानी के मुंह पे किसी ने कैसे मारी होगी ये मच्छर मारने वाली दवाई? शायद ये रानी यहाँ होटल में आने से पहले किसी ऐसी जगह पे गई थी जहाँ पे ये मच्छर मारने की दवाई छिड़की जा रही है। हमें उन सभी जगहों का पता करना होगा जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी वालों ने कल ये स्प्रे छिड़का था। हे भगवान, इस आदमी ने क्या हालत बना दी कमरे की। एक मिनट, यहां की किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए। अब प्लीज जरा दूर खड़े हो जाइए। विवेक, यहां की हर एक चीज से फिंगरप्रिंट उठा लो, हर एक चीज से। आप जरा यहां रहने वाले आदमी का नाम और पता दीजिए। जी सर। तो जब हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके पूछताछ की तो पता चला कि पिछले 2 दिनों में करीब 40 जगहों पर मच्छर मारने की दवाई स्प्रे की गई है। 40 जगहों पर मच्छर मारने की दवा स्प्रे की है, इसका मतलब है ये रानी 40 जगहों में से किसी भी एक जगह पर हो सकती है। हाँ सर। तो पता कैसे चले कि किस जगह पर गई थी, कहाँ गई थी? सर इन 40 जगहों में से एक ये केकी नगर है जो रानी के घर के और उस होटल के बीच में पड़ता है जहाँ पे रानी का खून हुआ है। सर इसका मतलब किटी पार्टी में जाने से पहले ये केकी नगर गई होगी। सर ये ध्रुव नाम के आदमी ने अपना नाम और पता नकली लिखवाया हुआ है।
राहुल नकली मतलब सर गड़बड़। शायद इसी आदमी ने रानी का खून किया होगा सर। हाँ विवेक एक काम करो, इस ध्रुव की उंगलियों के निशान जो हमें होटल के कमरे में मिले हैं, देखो वो हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स में है क्या। हो सकता है इसने पहले भी कोई खून किया। सर और तैयार सर, इस केके नगर में जाओ, वहां पर रानी के फोटो दिखा, देखो कुछ पता चलता है क्या। सभी दुकान वालों से पूछ लिया सर, अगर ये लड़की दो तीन दिन पहले यहाँ आई भी होगी तो कौन याद रखेगा सर। बिल्डिंग मची है, चलो यहाँ भी पूछ लेते हैं। देखा था दो दिन पहले। ये तो रानी मैम साहब का फोटो है सर। तुम इसे पहचानते हो? जानता हूँ। आप भी क्या मजाक करते हैं साहब, रानी मैम साहब हमारी बिल्डिंग में तो रहती हैं। रानी इसी बिल्डिंग में रहती है? हाँ साहब। रानी तो अपने पति के साथ कहीं और रहती है। नहीं नहीं साहब, रानी मैम साहब इसी बिल्डिंग में रहती हैं अपने पति के साथ। हाँ लेकिन दो दिन से वो घर वापस नहीं आई है और ना ही उनके पति वापस आए हैं। जरा उनका फ्लैट दिखाना। रानी जी के पति हैं अजय साहब। क्या ये रानी का पति? तुम चश्मा पहन दो क्या? नहीं सर। अरे रानी का पति अनुज है, अजय नहीं, समझे? ये देखो, ये है रानी का पति अनुज। ये कौन है साहब? इन्हें तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। रानी अपने पति के साथ रहती थी ना यहाँ पे? जी पति के साथ ही रहती थी, पर ये वाला पति नहीं, अजय साहब के साथ रहती थी। रानी के दो दो पति। जरा अनुज को फोन लगा, उसे यहाँ बुला, पूछे तो सही उससे कि वो रानी का पति है या कोई और। सर फोन उठा नहीं रहा है सर। अच्छा तुम्हारे पास इस अजय का नंबर है? जी एक मिनट सर, 10209-8716। ये लो सर, इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है सर। एक पति का फोन लग नहीं रहा, वो उठा नहीं रहा है, दूसरे का स्विच ऑफ आ रहा है, कमाल हो गया। बड़ी मोबाइल फोन कंपनी वालों को कहो कि वो ढूंढ के बताए कि ये दोनों मोबाइल फोन इस वक्त कहाँ है। पता तो करें कि ये अनुज और अजय किस एरिया में छुप के बैठे हैं। सर दूसरे होटल के रूम के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं सर। किसके उंगलियों के निशान? सर ये देखिए, रॉबिन नाम है इसका। रॉबिन पहले भी दो दो खून कर चुका है, फांसी भी हुई थी इसे, और लिखा है कि कोर्ट में वकील ने साबित किया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसे असाइलम में भेज दिया गया। बॉस ऐसी खबर लेके आऊं जैसे सुनकर अभिजीत तो गाना गाने लगे। अरे सिर्फ मैं क्यों भैया,
जो उंगलियों के निशान तुम होटल के कमरे से उठाकर लाए थे ना, वो मैच हो गए। मैच हो गए? किससे? फूलदान से। उस फूलदान से जिससे रानी का कत्ल हुआ था? हाँ। इसका मतलब खून करने के बाद वो सीधा उस कमरे में गया। सोलंकी, अब मैं भी तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम नाचने लगोगे। अरे तो बॉस जल्दी सुनाओ ना, मैं तो नाचने के लिए कब से बेताब हूँ। सोलंकी, वो जो उंगलियों के निशान मिले ना, वो एक खूनी के जो पहले भी दो दो खून कर चुका है और जिसे दिमाग की बीमारी है। ओ, ये बात सब आगे ये भी लिखा है कि ये आदमी असाइलम से भागा है। मगर इसके पास होटल में रहने के लिए पैसे कहाँ से आए होंगे? किसी ने दिए होंगे या फिर किसी से लिए होंगे? बॉस ये खून किसी ने करवाया। सर रॉबिन को नाइट क्लब्स और डिस्कोस में जाने का बहुत शौक था सर, और आखिरी बार भी उसे एक डिस्को में ही अरेस्ट किया गया था। डिस्को में? आदे, क्या रानी के पति के फोन का पता चल गया? सर ये फोन अजय का है। यहीं पे बताया था, मोबाइल कंपनी वाले ने बताया था कि फोन यहीं कहीं है आसपास। चलो ढूंढते। यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। एक काम करो सर, मेटल डिटेक्टर लेकर आओ। सिग्नल यहाँ से आ रहा है सर, फोन के साथ बैटरी भी काट दिया किसी ने। सलून के अंदर खुद का देखते हैं। इतनी बड़ी बोरी। बोरी नहीं है, कुछ और भी है। निकालो इसे बाहर, खींचो से। संभाल ले लो, ले लो उधर, संभाल के रखो। माय गॉड, ये तो अजय है। हाँ, ये देखिए सर, ये गोली मार के खून किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी ने ही इसका खून कर दिया और फिर वो होटल चली गई? सर रानी ने इसका खून किया अपने होटल के किटी पार्टी के लिए, वहां पे किसी ने रानी का खून कर दिया। पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसका असली पति है कौन, ये अजय या वो अनुज? रानी और ये अजय, ये दोनों तो मर चुके हैं, अब बचता है वो अनुज। सर उस अनुज की चोंच खोलनी पड़ेगी। फ्रेडरिक्स वेक, तो घर के पीछे की तरफ जाओ, देखो भागने का कोई रास्ता है क्या। सर जल्दी। सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा सर। तो भाई झूठ क्यों बोला तुमने? हाँ, कि तुम रानी के पति हो, बोलो। गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं किसी का पति पति नहीं, बॉयफ्रेंड हूँ, सिर्फ बॉयफ्रेंड। मुझे क्या पता था कि रानी होटल के रजिस्टर में जाकर मेरा नंबर और एड्रेस दिखवा देगी। बहुत बड़ी बेवकूफ थी वो। अजय का खून तुम दोनों ने मिलकर किया है ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं।
वो खुद तो रानी के हाथ से अनजाने में हो गया था सर। आज का सबसे बेहतरीन जो अभिजीत, मैंने तो सुना था कि लोग अनजाने में गिरते हैं, फिसलते हैं, चोट लग जाती है, मगर अनजाने में खून कुछ भी हो सकता है सर, आजकल कुछ भी हो सकता है। अजय को इन दोनों के अफेयर्स के बारे में पता चल गया होगा तो खून कर दिया इन लोगों ने। तुम कहां थे जब रानी ने गोली चलाई? सर उस वक्त मैं अपने घर में था सर। सही सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मैंने तो अजय की लाश को सिर्फ जमीन में गाड़ा सर, और कुछ नहीं किया सर मैंने, और कुछ नहीं किया। अजय की लाश को तुमने जमीन में गाड़ा? अच्छा, और फिर उस आदमी को किसने भेजा रानी को मारने के लिए होटल में? मैं तो रानी से प्यार करता था सर, मैं क्यों भेजने लगा किसी को? तुमने नहीं भेजा था उसे? हाँ? नहीं सर, नहीं। हेलो, क्या रॉबिन मिल गया है? कहाँ पे है? अरे सुनो। हाँ सर। ये रॉबिन कौन है? सर वो रहा। वो? हाँ वो। क्यों मारा तुमने? रानी? ये रानी। ये? हाँ ये। बोल, क्यों मारा इसे? वन मिनट। सर, ये तो पूरा पागल है सर। नहीं कह रहा किसने पैसे लिए रानी को मारने के लिए? किसने पैसे दिए थे? मुझे पैसे दिए थे बंदर ने, सांप ने, और बिच्छू ने। तो बिच्छू ने पैसे दिए थे तुम्हें? हाँ? किस बिच्छू ने पैसे दिए थे? सर देखा, मेरा हाथ गंदा कर दिया सर इसने। इस पे तो बिच्छू बनाया है इसने। बिच्छू? एक मिनट, अब कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ये किस बिच्छू, बंदर और सांप की बात कर रहा है अभिजीत। अच्छा 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 अच्छा, उसकी बात कर रहा है। चलो फिर तुम्हें घुमा के लाते हैं। चांदनी, 12 बज रहे हैं, इस समय तुम्हारे घर में कौन आया होगा? देख, मैं देखती हूँ। ओके, और तू चीटिंग मत कर। ओके यार। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी ना, इसलिए आ गया मिलने। किधर यहाँ से? तुम अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो तुम? अरे तुमको मना मना मेरे घर का एड्रेस क्यों नहीं दिया? अरे रुको, तुम अंदर कहाँ आ रहे हो? तुम क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हाँ हम लोग सर। सर अच्छा हुआ सर आप आ गए, मैं आपको फोन करने वाली थी सर। देखिए ना, ये आप ही जबरदस्ती मेरे घर के अंदर घुसाए सर। अच्छा, पर ये आदमी तो कह रहा था कि तुम तीनों ने पैसे दिए थे इसे रानी का खून करने के लिए। क्या इसने आपसे ऐसा कहा सर? सही है, झूठ बोल रहा आदमी, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सर जैसे इसने रानी को मारा था, वैसे मुझे भी मार देगा।
रानी को जैसे मारा वैसे ही। जैसे रानी को मारा था विवेक। क्यों अब बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि रानी को इसने ही मारा? क्यों नहीं मारना चाहते थे तो फिर रॉबिन को पैसे क्यों दिए थे रानी का खून करने के लिए? सब हमने तो बस डराने के लिए पैसे दिए थे, हमें क्या पता था कि वो उसे मार डालेगा। सिर्फ डराने के लिए? सर दरअसल वो हम चारों सहेलियों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम 25-25 लाख रुपए जमा करेंगे और वो पैसे जमा करके हम एक बुटीक खोलेंगे। हमने फैसला किया था कि पैसों का हिसाब किताब रानी देखेगी, तो अपने हिस्से के 25 लाख उसे दे दिए। फिर क्या हुआ? इतना सारा रुपया देकर उसकी नीयत खराब हो गई और हम सब का रुपया लेकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना चाहती थी। इसीलिए सर हमने अपने पैसे वसूलने के लिए ये सब किया। हमें क्या मालूम था कि ये पागल उसको जाके मार ही देगा। रॉबिन को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन रानी के खून के लिए तुम तीनों भी जिम्मेदार हो।